हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक हील। आज हम प्राणिक ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनी हैं। ब्रीदिंग से बेसिकली आप आउटसाइड के जो प्राण हैं, जो बोलते हैं किसी एवरी एयर और वाटर, एवरीथिंग हैज़ अ डिफरेंट प्राण। प्राण मीन्स लाइफ। तो आप उस ब्रीदिंग के थ्रू वो प्राण अपने अंदर ला सकते हैं। तो ब्रीदिंग वो ब्रीदिंग जिससे आप एयर से, आउटसाइड से प्राण ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम प्राणिक ब्रीदिंग बोलते हैं। और ये आपको इस तरह से आपका ऑरा बढ़ा देता है। जब आप इसको करते हैं, आप 10 काउंट्स 20 काउंट्स एक बार करके देखेंगे। अगर आप ऑरा चेक करना चाहते हैं या फिर आगे मैं बताऊंगी कि आप इस किस तरह से कर सकते हैं, तो आपका ऑरा 100% तक बढ़ जाता है एंड यू फील वेरी एनर्जेटिक। और इनर ऑरा, हेल्थ ऑरा, आपके सारे ऑरास बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाते हैं। आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, आप किसी भी केस पे आपको एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है, और हीलर हैं आप, हीलिंग करते हैं और दूसरों की, तो आप बिफोर हीलिंग एंड आफ्टर हीलिंग इसको करें, आपको बहुत बेटर फील होगा। आप के अंदर ऑरा ही आपका डिफरेंट होगा, क्योंकि जब तक आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है तब तक आप किसी और का ऑरा स्ट्रांग नहीं कर सकते। सो दिस इज द बेस्ट वे टू अब्सॉर्ब ट्रेमेंडस लाइफ एनर्जी। और आप चाहें तो ऑरा को चेक करें पहले और इसको ब्रीदिंग के बाद, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फर्क आता है। प्राणिक ब्रीदिंग से आप अपने पेन्स रिलीज कर सकते हैं, बॉडी प्रॉब्लम्स रिलीज कर सकते हैं, आपके चोट लग रही है उसको आप जल्दी हील कर सकते हैं। और इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपके ट्रॉमास, नेगेटिव इमोशंस क्लीन हो सकते हैं, ट्रॉमास है और बहुत सारी चीज़ें आप इससे ठीक कर सकते हैं। मैंने अपना शोल्डर पेन तक इससे ठीक किया है। आप इसको सिर्फ इमेजिन करें, मैं आपको बताऊंगी पूरा प्रोसीजर। आप अपने बहुत सारे पेन्स को रिलीव कर सकते हैं। घुटनों का दर्द है वो ठीक हो जाएगा आपका, किसी के स्टमक में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, लिवर प्रॉब्लम है, तो आप सारी प्रॉब्लम्स इससे ठीक कर सकते हैं। बेस्ट प्लेस टू डू इज नियर ट्रीज। ट्रीज के पास बहुत अच्छी एनर्जी होती है, बहुत अच्छी पावर होती है, बहुत सारे प्राण होते हैं, तो आप अगर वहाँ से प्राणा लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ग्रास पे तभी बोला जाता है कि ग्रीन ग्रास के पास जाएं और वहाँ घूमें, ओपन एयर में, क्लीन एनवायरनमेंट में बेसिकली आपको करना है। वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप बैड एनर्जीज भी अपने अंदर ले सकते हैं। क्लीन एनवायरनमेंट में आपको बैठना है। मॉर्निंग में करें तो बहुत अच्छा होगा। आप सबसे बेस्ट पार्ट इसका है, आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं बैठे बैठे, जस्ट टेक 10 times deep breaths and you will feel better. Now let's see how to take these. आपको अपनी टंग पैलेट पे टच करनी है, टच ऊपर टच करनी है। इससे भी आपकी आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। आप बैठे बैठे टच करके देखिए, तो दिस इज ऑल्सो वेरी पावरफुल टेक्निक। आप सिंपल भी इसको कर सकते हैं। अब आपको डीप ब्रेथ लेनी है ऑन अ काउंट ऑफ 6। आपको काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ होल्ड फॉर 3 counts सेम रिदम में जिसमें आपने ब्रीद इन किया है, 1, 2, 3। नाउ एक्सहेल अगेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ अगेन स्टॉप। स्टॉप हमें एक्सहेल में भी करना है, इनहेल में भी करना है। उससे क्या होता है, जैसे आप भूख लग रही है बहुत तेज, तो आपको अगर खाना थोड़ी देर में मिलेगा तो आपको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा ना। इसी तरह से जब हम उसको एक्सहेल कर देते हैं, उसके बाद हम उसको रोकते हैं ब्रेथ को, तो वो जब आप उसको अंदर लेंगे दोबारा, तो उसका जो आपकी बॉडी के लिए मीनिंग होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। इसीलिए, और ये आप देखिएगा बहुत आप में एनर्जी फील कर देगी। आप जस्ट ट्राई करके देखिए। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। आपको इनहेल जब करना है तो आपकी ब्रेथ, आपका स्टमक आउट होना चाहिए जब आप होल्ड करेंगे, जब आप एक्सहेल करेंगे तो स्टमक शुड बी इन। ऐसा नहीं आपको जान के करना है, मतलब प्रेशर लगा के करना है, बट इट विल बी लाइक दिस। कई बार कुछ लोग गलत करते हैं, इसलिए आई एम शोइंग यू द पिक्चर। दिस इज अ वे यू कैन गेट प्राण। आप ग्राउंडिंग ले सकते हैं। ग्राउंडिंग का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। तो ग्राउंड, अर्थ से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो आप जस्ट बैठ जाइए ऐसे पैर ऊपर करके, और जस्ट फील कि बहुत सारी एनर्जी मुझे ग्राउंड से मिल रही है। और इसी टाइम आप प्राणिक ब्रीदिंग करिए, 10 काउंट्स 15 काउंट्स। इसी तरह से आप ट्रीज के पास जाके भी ले सकते हैं। बहुत बड़ा ट्री है, उसके नीचे जाके आपने इस तरह से उससे ट्रीज इमेजिन करें कि ट्रीज से मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। आप एयर से भी ले सकते हैं, फ्रेश एयर जहाँ पर है, आप इस तरह से हाथ करके खड़े हो जाएं, आपको बहुत सारी एनर्जी वहाँ से मिल जाएगी। और ब्रीथ इन द वे ऑफ प्राणिक ब्रीदिंग 6363। जिन लोगों का बीपी की प्रॉब्लम होती है वो 7171 करें। 7 inhale 1 hold, मतलब वो ज़्यादा देर तक उसको होल्ड ना करें, 7171 कर सकते हैं बीपी प्रॉब्लम वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।